नमस्कार, आप देख रहे हैं देश 2 बजे और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। तमिलनाडु में बारिश आफत बनकर बरस रही है। कुदरत के कहर ने अब तक 188 लोगों को अपना शिकार बना लिया। बारिश ने पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और शहर के स्कूल कॉलेज बीते 16 दिनों से बंद है। हालात ये हैं कि सड़कों पर कई कई फीट पानी जमा है और लोगों को अस्पताल तक जाने में परेशानी हो रही है। हालांकि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं और प्रशासन की मदद के लिए सेना, नौसेना और एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। पानी पानी दक्षिण भारत, तमिलनाडु में आसमान से बरस रही है आफत। बारिश ने तोड़ा पिछले 100 साल का रिकॉर्ड। जहां भी नजर जाती है बस पानी ही पानी। घर के बाहर पानी, घर के भीतर पानी। सड़क बन गई समंदर। तमिलनाडु में लगातार हो रही भारी बारिश ने पूरे राज्य को समंदर में तब्दील कर दिया है। बाढ़ ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। बाढ़ के पानी ने हर जगह तबाही मचा दी है। रेल, विमान और बस सेवा करीब करीब ठप होने के कगार पर है। बारिश ने 97 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार नवंबर माह में चेन्नई में 1197 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि इससे पहले 1918 में 1088 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। आसमानी आफत से उजड़ा आम जनजीवन। लाखों लोग हुए बेघर। बारिश और बाढ़ से अब तक 188 लोगों की मौत। तमिलनाडु में बाढ़ से भारी तबाही मची हुई है। राजधानी चेन्नई में हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और एनडीआरएफ को मोर्चा संभालना पड़ा है। चेन्नई एयरपोर्ट गुरुवार सुबह तक के लिए बंद कर दिया गया है। यहां करीब 4000 यात्रियों के फंसे होने की खबर है। 19 ट्रेनें भी कैंसिल कर दी गई हैं। चेन्नई में बारिश ने पिछले 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एनडीआरएफ की 10 टीमें चेन्नई भेजी गई हैं। साथ ही आर्मी ने 50-50 जवानों की 2 टीमें चेन्नई के 2 इलाकों में भेजी है। नेवी ने INS अडियार से 2 टीमें रवाना की हैं। एयरफोर्स के भी 2 हेलीकॉप्टर रिलीफ ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। स्कूल कॉलेज 16 दिनों से बंद पड़े हैं। ये 10 दिन और बंद रहेंगे। पीएम मोदी ने सीएम जयललिता से 2 बार फोन पर बात कर उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिलाया है। तो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर 4 तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमिलनाडु में बारिश ने किस कदर कहर बरपाया है, किस तरह से सड़कों पर पानी का सैलाब उमड़ा है और जो खेत खलियान है वो भी टापू में तब्दील हो चुके हैं। सड़कें समंदर बन चुकी हैं, पानी से पूरी तरह सड़कें डूब चुकी हैं। लोगों को अपनी जान बचानी मुश्किल हो रही है। 188 लोगों की मौत अभी तक इस आसमानी तूफान, आसमानी बारिश ने ले ली है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने तमिलनाडु में बारिश से हुई तबाही पर दुख जताया है। केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में केंद्र सरकार पूरी तरह तमिलनाडु के साथ खड़ी है। आज के लगभग 1 सप्ताह पहले हमारी वहां के चीफ मिनिस्टर सुश्री जयललिता जी से बात हुई थी और उनसे मैंने कहा था कि जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता हो हम सहयोग करने को तैयार हैं। वैसे वहां पर आर्मी भी लगी है, नेवल फोर्स भी लगी है और साथ ही साथ हमारी एनडीआरएफ की टीम भी पर्याप्त मात्रा में वहां पहुंच गई है। निश्चित रूप से स्थिति बहुत ही चिंताजनक है और कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं जयललिता जी से बात करके सारी स्थिति की जानकारी वहां ली है और उन्हें आश्वस्त किया है प्रधानमंत्री जी ने कि हम हर प्रकार की मदद करने को पूरी तरह से तैयार हैं। वैसे उनकी तरफ से एक मेमोरेंडम भी
आया है हमारे गृह मंत्रालय में और हम लोगों ने अपनी सेंट्रल टीम वहाँ भेज दी है सिचुएशन को एसेस करने के लिए और रिपोर्ट देने के लिए, ताकि जो भी संभव हो वह आर्थिक सहायता भी उनको। मैं रेगुलरली वहाँ हमारा स्थानीय इकाई से और वहाँ का स्थानीय लोगों से बात करते रहता हूँ, कारण क्या है, मैं चेन्नई के बगल में मेरा जिले भी है, आंध्रा है फिर भी बगल में है, यहाँ भी स्थिति गंभीर है, नेल्लूर में भी गंभीर है, चित्तूर में भी गंभीर है और सबसे ज़्यादा चेन्नई में 16 दिन से चेन्नई शहर में पानी भरा है। इसलिए सरकार ने भी ये रिलीफ फंड से पैसा दे दिया है, 930 करोड़ रुपए रिलीज किया है और प्रधानमंत्री ने कल शाम को ट्वीट भी किया है, उन्होंने भी चिंता जताया है और केंद्र सरकार के द्वारा जो भी मदद चाहिए वो सरकार पूरा दे रहे, आर्मी को भी, नेवी को भी और NDRF टीम्स को भी, सबको आदेश दे दिया है, जो भी वहाँ मदद चाहिए प्रदेश सरकार को मदद करना चाहिए और केंद्र सरकार पूरा साथ देने के लिए तैयार है, दे रहे। उत्तर प्रदेश के दो बड़े मंदिर वृंदावन के बांके बिहारी और मिर्जापुर के माँ विंध्यवासिनी को लेकर सरकार एक बड़ा फैसला लेने वाली है। एक ट्रस्ट बनाकर सरकार इन दोनों मंदिरों के कायाकल्प की तैयारी में जुटी है, लेकिन स्थानीय पुजारी इसका विरोध कर रहे हैं। इस खबर के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आप बता रहे हैं नीतीश कुमार कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं क्या कर रहे हैं। विजय कुमार चौधरी जी निर्वाचित हुए हैं, यह एक स्वस्थ परंपरा है, उसका निर्वहन किया गया है, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है और मैं समझता हूं कि श्री विजय चौधरी जी एक योग्य व्यक्ति हैं और संसदीय प्रणाली से पूरी तरह अवगत हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से सदन की कार्यवाही चलाने में कामयाब होंगे, मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं, मैं उन्हें बताइए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां बहुत कम वर्षा होती थी वहां इतनी ज्यादा वर्षा हो रही है, हम लोगों की हम लोग सभी कंसर्न है इस बात को लेकर और मुझको लग रहा है कि जो एक आम तौर पर जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उसी का ये परिणाम होगा और ये गंभीर विषय है। जिन इलाकों में वर्षा कम होती थी वहाँ बेइंतहा वर्षा हो रही है और जहाँ वर्षा होती थी वहाँ वर्षा नहीं हो रही है। अब आज देख लीजिए, आज 2 दिसंबर है लेकिन अभी भी यहाँ ठंड नहीं गिरी, जबकि आम तौर पर गर्मी समाप्त हो जाती थी और थोड़ी ठंड आ जाती थी। तो हम हर जगह देख रहे हैं, दिल्ली को देखिए तो जिस तरह से एक धुआं धुआं जैसा माहौल रहता है, तो ये कुल मिलाकर जलवायु परिवर्तन है। लेकिन फिलहाल यह एक आपदा है जो तमिलनाडु के लोग इसका सामना कर रहे हैं, हम लोगों की पूरी भावना उनके साथ जुड़ी हुई है और मैं समझता हूं कि वहां की सरकार भी हर संभव प्रयास कर रही है और केंद्र की तरफ से भी उन्हें सहयोग मिलेगा और ऐसी परिस्थिति से निपटने में वो कामयाब है। और ये थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो तमिलनाडु में आफत बनी बारिश के बारे में बोल रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है जिस वजह से ये हालात बनकर सामने आए हैं। आगे बढ़ते हैं और जो खबर आपको बता रहे थे उत्तर प्रदेश के दो बड़े मंदिरों की बात कर रहे थे, वृंदावन के बांके बिहारी और मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी को लेकर सरकार एक बड़ा फैसला लेने वाली है। एक ट्रस्ट बनाकर सरकार इन दोनों मंदिरों के कायाकल्प की तैयारी में जुटी है, लेकिन स्थानीय पुजारी इसका विरोध कर रहे हैं। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर और मिर्जापुर का विंध्यवासिनी मंदिर, इन दोनों मंदिरों का दर्शन करने न सिर्फ देश के अलग अलग राज्यों से लाखों श्रद्धालु आते हैं बल्कि विदेशी भक्तों की तादाद भी अच्छी खासी होती है। लेकिन आस्था के बड़े केंद्र होने के बावजूद दोनों मंदिरों में श्रद्धालुओं को परेशानी आम बात है। अक्सर पंडों के हाथों श्रद्धालुओं के ठगे जाने की शिकायत मिलती है, यही वजह है कि सरकार इन दोनों मंदिरों का कायाकल्प करना चाहती है, ठीक उसी तर्ज पर जैसा कि वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में हुआ है। मंदिर अच्छा कैसे हो, परिसर कैसा अच्छा हो, बाथरूम है ही नहीं, उसका भी बनने का इंतजाम हो रहा है, कुछ बिल्डिंगें सरकार ने एक्वायर भी की हैं। ये तमाम स्थल वो हैं जहां बड़ी संख्या में लोग जाते हैं और
बड़ी संख्या में जा रहे हों लोग, उनको सुविधा भी मिले और दर्शन आसानी से हो सके, वो व्यवस्था हर किसी भी सरकार को करनी चाहिए। सरकार दोनों मंदिरों के लिए ट्रस्ट बनाकर उसे मैनेजमेंट का जिम्मा सौंप सकती है। यूपी सरकार के मुताबिक विद्यांचल और बांके बिहारी मंदिर को हर साल करीब 15 करोड़ रुपए का दान मिलता है, लेकिन दान से मिली रकम का इस्तेमाल मंदिरों के रख रखाव पर ठीक से नहीं होता। यूपी सरकार ट्रस्ट बनाने के बाद दोनों मंदिरों के आसपास बेहतर सड़क और दूसरी सुविधाएं देगी। वृंदावन को हेरिटेज सिटी का दर्जा देने की प्रक्रिया तेज कर सकती है। श्रद्धालुओं को मंदिर के दर्शन कराने के लिए टूर पैकेज की शुरुआत हो सकती है, लेकिन मंदिरों से जुड़े लोग सरकार के इस कदम को अपनी स्वायत्ता पर हमला मान रहे हैं। बांके बिहारी जी का मंदिर और देवी जी का मंदिर जो अधिक रहे, तो ये भी एक बहुत निंदनीय कार्य है, क्योंकि मंदिर धार्मिक व्यवस्थान है, धार्मिक संस्थान है और ये हिंदू जनमानस की भावना से चलते हैं और यहाँ पे प्रबंध समितियां अपना काम सुचारू रूप से कर रही हैं। फिलहाल सरकार ने मंदिरों से जुड़े बिल को मंजूरी नहीं दी है, लेकिन साफ है कि आने वाले दिनों में ऐसा होगा। ये भी तय है कि मंदिरों से जुड़े पुजारी इसका जोरदार विरोध करेंगे। वृंदावन से विपेंद्र सिंह के साथ अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया, लखनऊ। और अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक से राजस्थान जा रहे पंकज जैन को यह उम्मीद नहीं थी कि महज एक प्रार्थना पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु उनके बीमार पिता के लिए मदद मुहैया करा देंगे, लेकिन रेल मंत्री ने पंकज के सिर्फ एक ट्वीट पर मदद के आदेश दिए। जहां ट्रेन का स्टॉपेज 5 मिनट का था, वहां रेल मंत्री के आदेश पर ट्रेन 10 मिनट तक रोककर रखी गई। इस मदद के लिए पंकज ने रेल मंत्री का शुक्रिया अदा किया। सुरेश प्रभु जी के साथ साथ उनकी पूरी टीम को, रेलवे की पूरी टीम को जो ये ट्विटर हैंडल कर रहे हैं, सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं, और साथ में उनकी टीम में जो स्टेशन मास्टर जो ऑन ग्राउंड है और कूली वाले और उनके साथ जो भी स्टेशन के स्टाफ थे, जो भी मौजूद थे, सबको पूरे फैमिली की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। बेंगलुरु के रहने वाले पंकज जैन रेल मंत्री सुरेश प्रभु का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे हैं। पंकज की कहानी डिजिटल होते भारत और रेल मंत्रालय की कहानी है। 27 नवंबर को पंकज अपने लकवाग्रस्त पिता को बेंगलुरु से राजस्थान के नागौर इलाज करवाने के लिए ट्रेन में सवार हुए थे, लेकिन पता चला कि जिस मेड़ता सिटी स्टेशन पर उन्हें उतरना है, वहां तो ट्रेन सिर्फ 5 मिनट के लिए ही रुकती है। इतने कम वक्त में चल फिर न पाने वाले पिता को सामान सहित ट्रेन से उतारना नामुमकिन था, और ऐसी मुसीबत से पंकज को निकाला ट्विटर ने। पंकज ने रेल मंत्री को टैग करके ट्वीट किया और फिर कैसे मदद पहुंची, खुद सुनिए। मैंने 28 को शाम को ट्वीट किया इंडियन रेल मिनिस्ट्री को कि है ना, मुझे ये सहायता चाहिए, क्योंकि ये मिडनाइट 3-3.30 बजे का समय रहेगा पहुंचने का, तो थोड़ी तकलीफ होगी मेरे को, नहीं तो अकेले पिताजी को लेके उतारने में। तो वहां से सामने से रिप्लाई आया कि आपकी आपको सुविधा मुहैया कराई जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से रहिए। जब मेड़ता रोड स्टेशन पर गाड़ी पहुंची तो हमारा स्टाफ, स्टेशन मास्टर, कुली और व्हीलचेयर के साथ वहां उपस्थित थे। इन्हें सुरक्षित और अच्छे तरीके से इनके पिता को उतारा गया और उन्हें जहां इलाज के लिए वो आगे जाना चाह रहे थे, वहां के लिए उनको रवाना किया गया। मुंबई की रहने वाली नम्रता महाजन की कहानी भी पंकज जैसी ही है। 26 नवंबर को नम्रता हावड़ा से मुंबई जाने वाली ट्रेन में सफर कर रही थी। रास्ते में शेगांव के पास उन्हें लगा कि एक व्यक्ति उन्हें परेशान कर रहा है। उन्होंने तुरंत ट्विटर पर रेल मंत्रालय से मदद मांगी। रेल मंत्रालय तुरंत एक्शन में आया और 40 मिनट बाद जैसे ही ट्रेन भुसावल पहुंची, कंपार्टमेंट में मदद के लिए आरपीएफ पहुंच गई। तो एक लड़का उसके सीट के अलावा अपने पैर दूसरे सीट पे रखा हुआ बैठा था। उसको 3-4 बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी उसने जब सीट वैकेंट नहीं किया, तब मैंने उसको पूछा कि एक तो सीट वैकेंट करो या फिर अपना रिजर्वेशन अगर होगा तो दिखाओ। उसके बाद उस वो लड़का जाके अपने फादर और पूरी फैमिली को लेके आया और उसके फादर ने देखा अकेली फीमेल है, ट्रैवल कर रही है, तो हम बिना साइड सुने कुछ भी बोल सकते हैं। ट्विटर के जरिए अपनी समस्या जो है रेल मिनिस्ट्री का जो ट्विटर हैंडल है वहाँ बताई और माननीय मंत्री जी के ट्विटर हैंडल पर डाला। फौरन रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लिया
तत्काल जो है DRM भुसावल के अंडर में आता है, उनको निर्देश दिया कि इसको तुरंत देखा जाए और 40 मिनट के बाद गाड़ी भुसावल आती है और भुसावल आने के बाद तुरंत RPF जो है उस कोच के पास पहुंचे और महिला यात्री ने राहत की सांस। लेकिन सवाल यह है कि ट्वीट के जरिए हुई शिकायत पर तुरंत हरकत में आने वाला रेल मंत्रालय किसी लिखित शिकायत या ईमेल पर एक्शन लेने में देरी क्यों करता है? जो ट्वीट आप उनको करते हो उनके फॉलोअर को भी दिखता है, तो जब कोई महिला मदद मांगती है तो उन्हें पता है कि लाखों लोग ये देख रहे कि उन्होंने मदद मांगा और रेलवे मिनिस्टर ने क्या किया। तो ये ट्विटर बहुत अच्छा माध्यम है। अगर वही समझो आप रेलवे मिनिस्ट्री को अगर डायरेक्ट कंप्लेन लिखे तो आपकी चिट्ठी ये दिल्ली यहाँ वहाँ कितने डिपार्टमेंट घूमती रहेगी, कई महीने लगेगा आपको न्याय मिलने में। ये भारतीय रेल का बदला हुआ रूप है कि एक ट्वीट पर जरूरतमंदों की मदद हो रही है। लेकिन रेल प्रशासन अगर दूसरी शिकायतों पर भी यूं ही गौर करे तो ये सफर और सुहाना हो सकता है। नागौर से मनोज सोनी के साथ एहसन अब्बास, जी मीडिया, मुंबई। क्या रूस सीरिया के आसमान से सीरिया की जमीन पर जहरीली गैस से हमले कर रहा है? ये सवाल इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि ISIS ने बकायदा एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में बमबारी के दौरान आसमान से सफेद रंग की बारिश होती दिख रही है। बताया जा रहा है कि यह व्हाइट फॉस्फोरस है जिसे केमिकल वीपन माना जाता है। अब सवाल यह है कि ISIS के दावों में सच्चाई है या फिर कोई नई साजिश? सीरिया के आसमान से गिरती सफेद आग। आसमान में आग जैसी ये चीज असल में सफेद पाउडर है, लेकिन लग ऐसा रहा है जैसे आसमान में आतिशबाजी हो रही हो। आसमान से गिरता ये केमिकल वो पाउडर है जो हड्डियां तक गला देता है, केमिकल जो शहर तक जला देता है। सवाल ये कि ये केमिकल ISIS को बचाएगा या जलाएगा? क्या ये सीरिया युद्ध में सफेद साजिश है? इन सवालों का जवाब देने से पहले आपको बताते हैं कि आसमान से बरसती सफेद आग का राज है क्या। ये वीडियो असल में ISIS ने जारी किया है। ISIS का दावा है कि रूस ने केमिकल हथियारों से सीरिया में उसके गढ़ रक्का पर हमला किया है। रक्का सीरिया का वो शहर है जिसे ISIS का अघोषित हेडक्वार्टर माना जाता है। ISIS का दावा है कि रूस ने रक्का के दो इलाकों को निशाना बनाते हुए आसमान से सफेद फास्फोरस से हमला किया। ISIS का दावा है कि सफेद फास्फोरस के हमले में कई लोगों की मौत हुई है, जिसमें ISIS के आतंकी भी शामिल हैं। ISIS के दावों पर अगर यकीन किया जाए तो ये रूस का बेहद बड़ा और खतरनाक कदम है। अब तक रूस लड़ाकू विमानों से पारंपरिक हमले कर रहा था, यानी रूस अभी सिर्फ पारंपरिक बमों और मिसाइलों से सीरिया में हमले कर रहा है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद रूस पर आरोप लगने लगे हैं कि वो सीरिया में ISIS के ठिकानों पर केमिकल हमला कर रहा है, यानी आतंक के खिलाफ लड़ाई में केमिकल वॉर की क्या एंट्री हो गई है। हालांकि अभी तक इस वीडियो की सच्चाई की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन अगर रूस ने व्हाइट फास्फोरस जैसे खतरनाक केमिकल से हमला किया है तो यह बेहद गंभीर फैसला है। सफेद फास्फोरस बेहद खतरनाक केमिकल होता है। सफेद फास्फोरस हड्डियों और चमड़ी को जला देता है, इससे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। सफेद फास्फोरस का असर पीढ़ियों तक रहता है। इस केमिकल से 2800 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी पैदा होती है। व्हाइट फास्फोरस के इन्हीं खतरों की वजह से यूनाइटेड नेशंस और जिनेवा कन्वेंशन ने इसके इस्तेमाल पर बैन लगाया हुआ है। जिनेवा कन्वेंशन के नियमों के मुताबिक व्हाइट फास्फोरस का जंग में इस्तेमाल गैर कानूनी है। इसका इस्तेमाल उन जगहों पर नहीं किया जा सकता जहां इंसानी आबादी बसती है। तो ये व्हाइट फास्फोरस हम लोग जो आर्म फोर्सेज में यूज करते हैं, ये इल्यूमिनेशन के लिए यूज किया जाता है और ये इंसेंडरी मटेरियल है जिससे कि हम आग लगाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सफेद फास्फोरस से हमले का यह वीडियो कितना सच है? क्या रूस के हमलों से बचने के लिए ISIS झूठ बोल रहा है? सवाल इसलिए
क्योंकि व्हाइट फास्फोरस अटैक के जिस वीडियो के सहारे आईएसआईएस समर्थकों ने रूस पर आरोप लगाया है उसकी कोई प्रामाणिकता सामने नहीं आई है। ये वीडियो ट्विटर पर मूना 27 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है। मूना 27 के प्रोफाइल में लिखा है कि वो सारा नाम की एक मुस्लिम इराकी लड़की है जो बेकसूर सिविलियंस की मदद करती है। नहीं, ये मेरे हिसाब से रशिया के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा है। लेकिन जानकारों का यह भी मानना है कि सफेद फास्फोरस का ज्यादा खतरनाक असर तभी होता है जब वो बड़े पैमाने पर किया जाए, यानी जितना ज्यादा जहरीला सफेद फास्फोरस होगा उतना ही वो नुकसान करेगा। जानकार रूस के सफेद फास्फोरस से हमले के आरोप से पूरी तरह इनकार भी नहीं कर रहे हैं। उसकी टॉक्सिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कितना टॉक्सिक है वो मटेरियल। अभी अगर वो गढ़ उन्होंने क्या किया है कि अपने आप को बचाने के लिए सिविलियन एरिया के अंदर कर दिया है, तो उसके अंदर वाजिब है कि उसके अंदर कोलेटरल डैमेज हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि रूस सीरिया पर भरा केमिकल हमला क्यों करेगा? रूस जेनेवा कन्वेंशन को मानने वाला देश है। रूस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य है। रूस के पास आईएसआईएस को खत्म करने के लिए मजबूत सैन्य शक्ति है। रूस बेहद आक्रामक ढंग से आईएसआईएस पर हमले कर रहा है। रूस के हमलों में आईएसआईएस के बड़े ठिकाने तबाह हो चुके हैं। ऐसे में रूस पर आरोप लगाकर ध्यान भटकाना मकसद हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि इस वीडियो के जरिए रूस पर केमिकल हमले का आरोप लगाकर आईएसआईएस रूस और अमेरिका की तलखी बढ़ाकर फायदा उठाना चाहता हो। रूसी लड़ाकू विमान के तुर्की द्वारा मार गिराए जाने के बाद पहले ही रूस और अमेरिका में तनाव बना हुआ है। अब केमिकल हमले का आरोप लगाकर आईएसआईएस रूस और अमेरिका के रिश्तों को और तल्ख कर फायदा उठाना चाहता हो। मुमकिन है ऐसे प्रोपेगेंडा के जरिए दुनिया को आईएसआईएस युद्ध में धकेलने की साजिश रच रहा हो। रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। 2 महीने पहले रूस ने सीरिया में अपनी वायुसेना तैनात की थी और रूस अब तक आईएसआईएस के 4000 ठिकानों को तबाह कर चुका है। रूस अकेला सुपर पावर है जो आईएसआईएस के खिलाफ मजबूती से लड़ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं रूस ने कौन कौन से हथियार सीरिया में तैनात किए हैं। दुनिया हक्का बक्का थी जब सीरिया के लताकिया एयरबेस से ये तस्वीरें सामने आई। रूस के जंगी जहाज राष्ट्रपति बशार अल असद के लिए सीरिया पहुंच चुके थे, दुनिया के दुश्मन नंबर 1 आईएसआईएस से मुकाबले के लिए। व्लादिमीर पुतिन ने साबित कर दिया था कि आईएसआईएस के खिलाफ रूस का दोहरा रवैया नहीं है। रातों रात उसकी वायुसेना पूरी तैयारी के साथ सीरिया पहुंची। नजर में ऐसी जंग थी जो थोड़ा लंबा खिंचने वाली थी। सुखोई 35, सुखोई 34, सुखोई 25, सुखोई 24 इन विमानों के साथ रूस ने अपने पहले कदम सीरिया में रखे और फिर शामिल हुए स्ट्रैटेजिक बॉम्बर T-95, T-160, T-22। करीब 2500 सॉर्टीज में 4500 से ज्यादा हमले कर चुका है रूस। वहीं सीरिया के पास भूमध्य सागर में रूस के युद्धपोतों ने मोर्चा संभाला हुआ है। रूस ने भूमध्य सागर में सीरिया और टर्की का करीब 6 बड़े जंगी जहाज तैनात किए हैं। ये युद्धपोत लंबी दूरी की मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन जब से टर्की ने रूस का लड़ाकू विमान गिराया है, रूस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब वो ऑफेंसिव ही नहीं डिफेंसिव हथियार भी तैनात कर रहा है। लेकिन इसके निशाने पर आईएसआईएस नहीं बल्कि वो देश है जो रूस के मिशन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे घातक हथियार माना जाता है। इसकी जस से कोई नहीं बच सकता, न विमान, न ड्रोन और न ही मिसाइल। भारत ने भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में दिलचस्पी दिखाई है। इसकी खासियत यह भी है कि यह स्टेल्थ विमानों को भी ट्रैक करके उन्हें गिरा सकता है। अब दुनिया स्टेल्थ जनरेशन में एंट्री कर चुकी है।
अमेरिका, रूस, चीन और भारत भी स्टेल्थ विमानों पर काम कर रहे हैं। इसलिए मौजूदा वक्त में एंटी स्टेल्थ तकनीक में S-400 को लीडर कहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जी पूर्वैया।